क्या किया जाए, मैंने अपने भाई से बोला कि तुम वीडियो बना, वो बोला मैं वीडियो नहीं बना। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी फिलहाल से भाई के 6 बज रहे हो, जल्दी से उठा और अभी सनराइज हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी 6:30 बजने वाले हैं और अभी सनराइज भी हो चुका है, मतलब कि मैंने टाइम देखा नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट इतना ही हुआ होगा क्योंकि हर दिन इतना ही होता है। एंड कैसा, अभी हमें जाना है दुकान का कुछ सामान लेने क्योंकि नारियल ख़त्म हो चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आज। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और क्या हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या रास्ते में दिखा पाता हूँ मैं आप सभी को। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हमने बाइक निकाल ली है और आप लोग देख सकते हो, और अभी हम जाने वाले हैं बाइक से। तो जल्दी जाएंगे और आप लोगों को थोड़ा सा व्यू वगैरह भी बताएंगे कि अभी सुबह से क्या होता है, मॉर्निंग में कितने ज़्यादा मतलब कि रोड हमारे यहाँ के बाहर निकलते हैं और क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। क्या किया जाए, मैंने अपने भाई से बोला कि तुम वीडियो बना, वो बोला मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और देखा आप लोगों ने कुछ मतलब कि थोड़ी सी वीडियो बनाई और बंद कर दी, तो यार मज़ा नहीं आया। और अभी सब्जी मंडी में रुके हुए हैं, कुछ सब्जी लेनी थी और यहाँ से दूध डेली गए थे, तो दूध डेली पे यहाँ पर दूध लेने गए हैं भैया। और पीछे देख सकते हो सब्जी मंडी, आज मतलब कि बाज़ार होता है हमारे केसली का। तो एंड चलो अभी चलते हैं और क्या होता है आप लोगों को। तो फिलहाल तो कुछ और सामान चाहिए तो वो ले लेते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। 1 बजने वाला और आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो आज के दिन हम लोगों ने अपने यहाँ पे कन्या है मतलब कि कन्या भोजन करवाया है। तो अभी हम मैं गया था सब जगह बोलने के लिए, जो कि कन्याएँ होती हैं तो उनको बुलाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो खाना बन रहा है और कन्याओं को जो खिलाना पड़ेगा खीर और जो कि कुछ काम भी हो चुका है, खीर तो बन चुकी है और अभी कुछ काम बाकी रह गया है। तो चलो चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा तैयारी मतलब कि मैं सुबह से लगा हुआ हूँ एंड गाइस ये पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसे ही मैं नल आ चुके थे तो नल की भी मतलब कि सब वो फिर ये पाइप वगैरह डाला और लाइट पता है आप लोगों को छत पे मैं चालू करने जाता हूँ बार बार, तो धूप में और तरीके से मतलब कि गर्मी लग रही थी। गाइस ये रखे हैं आलू और ये धनिया रखी है और इसमें जो कि मैंने चने बनाए हैं आज पहली बार, देख सकते हो ये चने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड गाइस ये हैं जो कि खीर रखी है इसमें और नल आ रहे थे तो नल जा चुके हैं अभी, तो मैं मोटर बंद करके आ जाता हूँ। अभी तो फिलहाल नवरात्रि होती है तो ये खप्पर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो कितने हरे भरे लग रहे हैं। ये 8-9 दिन में हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े और कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब कि मन तो कर रहा है एक रील बना लूँ, बट अभी ये रील बनाने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं काम ज़्यादा बहुत है और टाइम बहुत कम है। तो जल्दी से पूजा करते हैं और इन खप्पर को जो कि सिरा देते हैं और इसके बाद हमें कन्या भोजन भी करने हैं, तो उसके लिए भी टाइम निकला जा रहा है। एंड तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ होता है पूजा में।